टोहाना में लंबे समय से चल रही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और आईटी की समस्याओं को लेकर आज नगर परिषद कार्यालय में जिला के अतिरिक्त उपायुक्त और डीएमसी अजय चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन टोहाना ने प्रधान आजाद किरणा के नेतृत्व में एडीसी को ज्ञापन देकर प्रॉपर्टीज को पुनः सर्वे करवाने तथा 1973 से पुरानी एमसीआईडी ठीक ढंग से दर्शाए जाने की मांग उठाई। इसके साथ साथ आम जन ने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा सर्वे कराए जाने के बाद आम जन की प्रॉपर्टी आईडी गलत लगाई गई है, जिसके चलते आम जन दफ्तरों में चक्कर लगा परेशान हो चुका है। मेरे यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन्होंने अप्रूव्ड एरिया को भी अनअप्रूव्ड कर रखा है। किन लोगों ने किया है? ये प्रशासन के लोग हैं, ये जो कमेटी में बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं। आम जन परेशान है, पब्लिक परेशान है, और ये आप देख सकते हैं आईडियों को लेके शहर के जो अम्बेडकर चौक है वो भी अनअप्रूव्ड में कर दिया। लाल डोरे वाला सारा ही अनअप्रूव्ड कर दिया जो 1973 के तहत लाल डोरे में आते थे। वही एडीसी अजय ने इस मामले को लेकर बताया कि उनके द्वारा जांच करने पर पाया गया है कि टोहाना क्षेत्र में करीब 26,000 में से 10 से 11,000 प्रॉपर्टीज अनअप्रूव्ड कैटेगरी में चली गई हैं, और वो सिफारिश करेंगे कि टोहाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी का पुनः सर्वे किया जाए। जनता ने बताया है कि यहाँ पर कुछ कॉलोनिया अनअप्रूव्ड में आ गई है, जो पहले अप्रूव्ड में थी बता रहे थे कुछ, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करेंगे ऊपर भी कि जल्द से जल्द दोबारा सर्वे कराने की हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कितनी प्रॉपर्टी आईडी ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड शो कर रही है? बता रहे हैं कि टोटल हमारे यहाँ 26,000 लगभग प्रॉपर्टी है, उसमें से बता रहे हैं 10-11,000 प्रॉपर्टी आईडी में कुछ कमियां हैं। 50% अनअप्रूव्ड शो कर रहा है, 10-11,000 मान के चलो आप, इसमें तो जल्द से जल्द इसमें करवाएंगे। इसमें सर आपके बारे में भी कह रहे हैं कि पीछे 5 जनवरी के बाद आपने कोई फाइल नहीं निकाला है? फाइलें निकली हैं उसमें और दोबारा उसमें करवाया है, इनको जो कमियां थी कमियां दूर करवाते उसको। एकदम से 220 फाइलें रिजेक्ट होना, इसमें कोई बड़ा कारण रहा? 220 तो नहीं है, 130-135 थी उसमें, और कुछ अप्रूव की है तो जल्द से जल्द करवा देंगे इसमें। तो उसमें जो रिजेक्शन के कारण दिए गए हैं छोटे छोटे, वो पहले ही लोगों को क्यों नहीं बताए गए सर? हां, वो बता रहा हूं, कुछ कमियां थी स्टाफ की तरफ से तो करवा रहे हैं उसको क्लियर। एडीसी ने ये भी बताया कि करीब 130 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का एक ही दिन में रिजेक्ट होने के पीछे कुछ कमी स्टाफ की ओर से भी सामने आई है, जिसका विश्लेषण किया जाएगा तथा जल्द से जल्द इन पर सुधार होगा। टोहाना से सुनील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।